वेडी की वेबसाइट से आधार कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड करके फिर उसको क्रॉप करके फिर उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं बिना फोटोशॉप यूज़ किए तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो पहले हम वेडी की वेबसाइट पर जाएंगे और इधर हमारा आधार कार्ड का पीडीएफ हम डाउनलोड करेंगे, फिर इस वेबसाइट के थ्रू हम उस आधार कार्ड की पीडीएफ को क्रॉप एंड प्रिंट करेंगे। तो पहले पीडीएफ है डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने ये वाला लिंक है ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको आ जाना है और इधर आपको ये मिल जाता है ऑप्शन डाउनलोड आधार, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करके कैप्चा डाल के सेंड ऑटोपे बटन पर क्लिक करना है। चलिए हमने अपना आधार नंबर फिल कर दिया, कैप्चा भी डाल दिया जो इमेज में कैप्चा आ रहा है, फिर आपको सेंड ऑटोपे बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कैप्चा इनवैलिड बता रहा, तो मतलब कैप्चा हमने रॉन्ग फिल किया, तो अगेन हम कैप्चा को अच्छे से फिल कर लेते हैं और उसके बाद में आपको सेंड ऑटोपे बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए ऑटोपे यहाँ पर सेंड हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर बोलना कि डू यू वांट ए मास्क, मतलब आपको मास्क आधार कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो उसको आपको कुछ भी नहीं करना है, अब डायरेक्ट यहाँ पर ऑटोपे को फिल करके वेरीफाई एंड डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए हम डाउनलोड बटन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने ऐसा लुक देखने को मिलेगा। चलिए हमारा आधार कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर मैसेज आ चुका है, हमने सिस्टम में सेव भी कर लिया है। अब इस वेबसाइट पर आना होगा, ये इस वेबसाइट के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इस प्रकार, जैसे आप सर्च करेंगे ऐसे तो आपको ई कार्ड कटर के नाम से सर्च कर लेना है, सम की वो डालना है, कंटिन्यू डालना है बिना कुछ स्पेस दिए, तो आपको ये मिल जाएगा वेबसाइट फर्स्ट में ही, और इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको क्रॉप आधार के नीचे जो क्रॉप आधार का बटन है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो अपनी पीडीएफ अपलोड डाउनलोड किया था उसको इधर अपलोड कर देना, फिर उसका पासवर्ड डाल देना पीडीएफ का, फिर यहाँ पर आपको क्रॉप प्रिंट बटन पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो पीडीएफ अपलोड की थी उसका फ्रंट और बैक साइड कटकर आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। अब या पेपर प्रिंट बटन पर क्लिक करके या पीवीसी बटन पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर उसका इमेज को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हम पेपर बटन पर क्लिक करके दिखा देते हैं आपको किस प्रकार का लुक देखने को मिलेगा, तो आपको इस प्रकार का लुक है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रंट आ जाएगा, यहाँ पर बैक साइड, यहाँ पर क्रॉप होकर एरिया यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो साइज है ये प्रॉपर एक कार्ड का साइज है, नहीं जो पेपर में जो कार्ड निकालता है उसका यहाँ पर साइज है, तो आपको साइज सेट करने के लिए यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली साइज सेट करके ही देगा बाय डिफॉल्ट। तो आपको डायरेक्ट पे यहाँ पर प्रिंटर का नेम सेलेक्ट करके आपको डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस टूल के माध्यम से आप पीडीएफ को अपलोड करके उसका फ्रंट बैक साइड क्रॉप करके फिर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।